स्वागत है आप सभी का सुरक्षित फ्यूचर में। आज हम 20 मार्च की करंट अफेयर्स डिस्कशन करेंगे। आप सभी को पता है करंट अफेयर्स जो होते हैं वो प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। उसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं आज पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, एक पहला क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के सीईओ अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका उत्तर है जी कृष्ण कुमार को क्या किया गया है, इसमें नियुक्त किया गया है। अब आइए देख लेते हैं बीपी बीपीसीएल है क्या। ये एक हमारा जो मंत्रालय है पेट्रोलियम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्राकृतिक गैस मंत्रालय मंत्रालय इसके तहत ये क्या है, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। सार्वजनिक क्षेत्र की क्या है ये, की कंपनी है एक। ठीक, तो पहले आपसे ये पूछ लिया जाएगा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है क्या, सार्वजनिक है या निजी क्षेत्र की कंपनी है? ठीक, या निजी और सार्वजनिक दोनों है, तो आपका उत्तर क्या होगा, ये सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है। अब ये क्या है, भारत में पेट्रोलियम से संबंधित रिफाइनरियों का क्या करती है संचालन? ये मुख्य रूप से तीन रिफाइनरियों का संचालन करती है, एक बीना, एक है आपका कोच्चि और एक है आपका मुंबई। इनका ये क्या करती है, संचालन करती है। ठीक, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं हेडक्वार्टर किसका कहाँ पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में ही है। ठीक, कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, मुंबई में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पटना, हरिद्वार, तो आपका ये कहाँ किया गया, हरिद्वार में किया गया। ठीक है, अब देखो पटना क्या है आपका, बिहार की राजधानी है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की है, सूरत ये कहाँ पर है आपका, गुजरात में, और हरिद्वार आपका उत्तराखंड में है। ठीक, कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य में नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवाइटलाइजिंग एनवायरनमेंट एंड रेसिलिएंट एग्रीकल्चर थीम पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया था? तो ये कहाँ पर शुरू किया गया था, ये किया गया है आपका मणिपुर में। ठीक, कहाँ किया गया है ये, मणिपुर में किया गया है। आइए देख लेते हैं मणिपुर के बारे में कुछ जानकारियां। तो देखो इसकी राजधानी कहाँ है, इम्फाल है। इसकी राजधानी कहाँ पर है, इम्फाल है। और जो मणिपुर है उसमें सीट्स की संख्या, असेंबली मतलब जो विधायक विधानसभा होती है उसमें कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो वो 60 है। ठीक, तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में कि कितने एमएलए यहाँ पर चुने जाते हैं, तो 60। और देखो मणिपुर में ही कौन सी झील है, लोकटक, लोकटक झील है। ठीक, ये विश्व प्रसिद्ध झील है। ठीक, अब देखो उड़ीसा, असम और केरल। ठीक, तो आपका उत्तर क्या है इसमें, मणिपुर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है? ठीक है, तो ये पहली बार किसको मिली है, मेघालय को। एक आश्चर्यजनक बात यह है कि मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां पर एकमात्र रेलवे स्टेशन है, एकमात्र रेलवे स्टेशन है, और इसका नाम क्या है, मेहंदी मेहंदी पाथर। ठीक, ये एकमात्र यहाँ पर क्या है, रेलवे स्टेशन है, और ये कब बना था, 2014 में बना था। ठीक है, बड़ी मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है। अब देखो शिलोंग है, यहाँ पर क्या है, तीन हिल्स एक साथ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। ठीक, और ये यहाँ की मुख्य जनजातियां भी हैं, तो तीनों पहाड़ियां क्रम से हैं, गारो, खासी, जयंतिया। अब देखो मेघालय क्या है,
जैसा कि नाम से ही है, मेघ और आलय, मतलब यहाँ पर मेघों का आगमन होता है, ठीक। और सर्वाधिक बारिश यहाँ पर क्या होती है, तुम्हारा मानिश राम में, राम इससे पहले कहाँ होती थी, विश्व में सर्वाधिक चेरापूंजी, वो भी कहाँ पर ही स्थित था, मेघालय में। लेकिन चेरापूंजी में लोगों ने क्या है, पर्यावरण को प्रदूषित किया और मानसून केंद्र की ओर इकट्ठे होने लगे मानिस राम। तो यहाँ पर क्या है, आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है। अब देखो जो मेघालय है यहाँ पर सीट की संख्या कितनी है, 60 है। मतलब जो विधानसभा में विधायक चुने जाते हैं वो संख्या यहाँ पर कितनी है, मेघालय में 60 है। अब देखो मणिपुर, इसमें भी क्या है, 60 है। त्रिपुरा, इसमें भी 60 है। लेकिन मिजोरम में कितनी है, आपकी जो विधायक चुने जाते हैं उनकी संख्या 40 है, ठीक। तो ये आप देख लें, ये जो मेघालय है ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, ठीक। ये आपका मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये क्या है, दोनों किसके साथ, म्यांमार के साथ करते हैं। और त्रिपुरा एक ऐसा भारत का राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, ठीक। तो ये आप इसको भी क्या करें, याद रखें, कई बार क्वेश्चन पे पूछा गया है ये। आइए देखते हैं आगे, इंडिया पोस्ट ने अपनी अंतिम मील वितरण सेवाओं को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह सिर्फ रॉकेट के साथ क्या है, उन्होंने मतलब इसका मतलब यह अंतिम मील अर्थात कोई भी जगह छूटने न पाए, वहां तक क्या है, हमारी डाक पहुंच जाए। तो किसके साथ इन्होंने किया है, सिर्फ रॉकेट के साथ। अगला क्वेश्चन है, पीएम मित्र योजना या मित्रा योजना के तहत किसने कितने मतलब कितने मेगावाट मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, ठीक। तो कितने, तो यहाँ पर ये है संख्या 7। देखो मेगा टेक्सटाइल क्या है, ये कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या है, पार्क बनाए जा रहे हैं, जिससे क्या है, कपड़ा उद्योग को क्या मिले, कपड़ा उद्योग को फायदा मिले। इसमें पावर टेक वगैरह जैसी योजनाएं भी चली जा रही है। तो कितने बनाए जाएंगे, 7, ठीक। आप ये याद रखें, पूछ लेगा पीएम मित्रा योजना किससे संबंधित है, तो कपड़ा उद्योग से संबंधित है। और कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं, तो कितने बनाए जा रहे हैं, 7, ठीक। आगे देखें, यूक्रेन को लड़ाकू जेट प्रदान करने वाला पहला नाटो देश, इसी नाटो को लेकर क्या है, यूक्रेन और रूस में मारामारी चल रही है, ठीक। रूस में, रूस नहीं चाहता था कि जो यूक्रेन है वो क्या है, नाटो का सदस्य बने। नाटो में कुल वैसे तो मतलब 29 सदस्य हैं, ठीक है। नाटो के बारे में देख लेते हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम, बेल्जियम में, ठीक। इसका और इसकी स्थापना क्या है, देखो शीत युद्ध के बाद इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। शीत युद्ध ये था कि रूस और अमेरिका के बीच क्या था, एक बातों का युद्ध था, ऐसे समझे आप, कहते हैं ना एक दूसरे से बातें करना, सिर्फ चोली का युद्ध था जिसमें दो ध्रुव में बट गया था पूरा विश्व। अब देखो, अब कौन सा देश, हमारा क्वेश्चन क्या था, कौन सा देश है, तो ये क्या है आपका, पोलैंड, ठीक। इस पोलैंड की वजह से ही पहला क्या है, विश्व युद्ध शुरू हुआ था, यहाँ के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। तो ये आप देखें, यूक्रेन को किसने दिया है, पोलैंड ने दिया है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे। उसके बाद में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, ठीक। जैसे भारत की प्रणाली है वैसे ही उपराष्ट्रपति का चुनाव, वहाँ जो चुनाव होता है वहां पर भी क्या है, सांसद और विधायक ही क्या है, इसके वोट डालते हैं, ठीक। तो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। इसकी सीमा देखो, नेपाल की सीमा किस किस से लगती है, देखो एक तो अपने उत्तराखंड से लगती है, ठीक। उसके बाद में क्या है, यूपी से लगती है, बिहार से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, और आपकी सिक्किम से इसकी क्या है, सीमा साझा करता है ये नेपाल। तो 5 राज्य हैं जिसके साथ क्या है, सीमा साझा करता है ये नेपाल, ठीक। उसमें भी सर्वाधिक यूपी के साथ, एक बहुत लंबा क्षेत्र है जो यूपी के साथ क्या है, ये सीमा साझा करता है। तो तीसरे उपराष्ट्रपति, तो यहाँ के तीसरे उपराष्ट्रपति क्या है, राम साहेब प्रसाद यादव, यहाँ के क्या है,
राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, भारत की तरह ही इनका कार्यकाल भी कितना है, 5 वर्ष का है। ठीक है, उसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन है बिपिन, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। देखो बिपिन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो रचना विष्ट रावत हैं। अब ये किसके ऊपर है, ये जो जिस व्यक्तित्व के ऊपर है वो है बिपिन रावत। बिपिन रावत ये क्या थे, पहले CDS थे, भारत के प्रथम CDS थे, यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। अब क्या है, इनकी जो मृत्यु है वो 2021 में हेलीकॉप्टर के क्रैश हो जाने के कारण कहां पर हो गई थी, तमिलनाडु में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं के ऊपर ये किताब बनाई गई है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ठीक, तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये किसकी कृति है या किसकी लिखी हुई पुस्तक है, तो ये आपकी रचना विष्ट रावत के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन स्टाफ कौन थे, तो बिपिन रावत थे। ठीक, अभी क्या है, अभी अनिल कुमार हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें। धन्यवाद।